वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैं आपको मेरे ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है पर्सलिन। बहुत ही प्यारा प्लांट है, सुंदर लगता है बहुत ही। आपके बालकनी या आपने गार्डन में लगाया तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्लांट है। छोटे छोटे फ्लावर देता है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है ये। अब चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसकी मिट्टी की बात की जाए तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। मैंने इसकी मिट्टी में मिलाई है तीन चीज़ें। पहली है वर्मी कंपोस्ट, जो बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए। दूसरा जो है वो है वर्मी कंपोस्ट होगी, और दूसरा जो है वो है आपकी कोकोपीट। कोकोपीट से बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वेल ड्रेन हो जाएगी, साथ ही साथ इन्हें ग्रो होने में मदद मिलेगी। और जो तीसरा है वो है हमारी सैंड, रेत। रेत से ये वेल ड्रेन होगी, पानी की नमी भी होगी। तो इसलिए मैंने ये तीन चीज़ें मिलाई है अपनी मिट्टी में। तो आप अच्छे से मिला दीजिए और फिर लगाइए, तब अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप सिंपल मिट्टी में भी लगाएंगे तब भी ये अच्छा ही ग्रो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास अभी येलो और पिंक जो है वो ही अवेलेबल है, और नर्सरी में आपको और सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे इसमें, बट मेरे पास अभी यही है। मैं आपको और दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये भी है, ये येलो है पूरा, और वो जो पहला दिखाया था वो येलो प्लस पिंक है, ये पूरा येलो है। अभी इसमें फूल नहीं खिले हैं, क्योंकि कल बहुत सारे खिले थे, आज नहीं खिले, आज एक दो ही खिले हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है ये, और कटिंग से ग्रो चलने वाला प्लांट है। बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही आसानी से चल जाता है कटिंग से, 5-6 दिनों में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ ये इंडोर प्लांट है, ये देखिए, मैं आपको और दिखाती हूँ जो मैंने इसकी कटिंग लगाई है अभी अभी। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग लगाई है और ये अच्छे से चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको नीचे रखा था सीडों पे, बट ये मर गया था, तो इसकी मतलब मिलीबग लग गई थी, और वैसे भी बहुत ही पतली पतली इसकी जो स्ट्रिप थी वो बहुत ही पतली थी इसकी जो, तो मैंने इसलिए काट दिया। तो बहुत अच्छा चल रहा है ये, देखिए 5-6 दिनों में इसकी जिन नए पत्ते आने स्टार्ट हो गए थे, और बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कटिंग से चलाया मैंने और चल चुका है ये। मैंने एक दो कटिंग भी लगाई है इसमें, और एक ये जो पूरा प्लांट था उसको कट भी किया। तो देखिए बहुत ही अच्छे से चल रहा है ये देख सकते हो आप। तो चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये भी मैंने लगाया है यहाँ कटिंग से ही, ये मैंने वेंडरिंग ज्यू के साथ लगाया है पर्सलिन। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसमें बहुत सारे फूल भी आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए प्यारा सा फूल है इसका, बहुत ही प्यारा लगता है, छोटे छोटे फूल है। इसकी मिट्टी सिंपल है बट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप इसकी मिट्टी में वो तीन चीज़ें मिलाओगे जो मैंने आपको बताई, तो इससे क्या होगा, इसका फूल बड़ा होगा, साथ ही साथ इसकी जल्दी ग्रोथ होगी। अगर सिंपल मिट्टी में लगाओगे तो थोड़ी सी कम होगी ग्रोथ, और साथ ही साथ फूल भी छोटे आएंगे, जिससे आप देख सकते हो उसमें नीचे वाले में बड़े आ रहे हैं, देखिए इसमें छोटे छोटे कोई नहीं। इसमें मैंने जो ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड, इसको मैंने मिलाना है इसमें। इसकी मिट्टी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ मिट्टी है इसकी, बट फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही प्यारे फूल आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे कि फ्रेंड्स, इसके ना जैसे फूल जब इसके झड़ जाए आए नहीं, तो आप इसको यहाँ से पिंच कर दीजिए, आपको कैंची की मदद से आप काट दीजिए, क्योंकि उससे फिर न्यू ग्रोथ होती है। जैसे कि मैं यहाँ से काट रही हूँ, ये देखिए, जैसे कि फिर नई ग्रोथ होती है और अच्छा भी हो जाता है, हेल्दी भी हो जाता है। तो जहाँ से फूल पूरे आ चुके हैं, मुरझा गए हैं, वहाँ से आप इसको कट कर दीजिए या पिंच कर दीजिए हाथों से, जैसे मैंने यह करके रखा है, तभी न्यू आ रहे हैं, देखिए। तो ऐसे कीजिए आप भी, ऐसे बूशी भी होगा, साथ ही साथ हेल्दी भी होगा आपका प्लांट। तो चलिए ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने येलो प्लस
पिंक फ्लावर लगाया, बहुत ही अच्छा है इनका कॉम्बिनेशन लगता है। जब आप एक ही प्लांट के मिक्स प्लांट लगाओ अलग अलग कलर के, तो बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए बहुत ही बड़ा साइज़ है। जैसे मैंने बताया कि मैंने वो जो थे इन्ग्रीडियंट्स मिलाए हैं, तो उससे ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके फूल भी बड़े आ रहे हैं और आप देख सकते हो, ये देखिए, ये भी देखिए, ये तो इसके तो बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है, बहुत ही इजी से चल जाता है ये। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली चल जाता है ये। मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा लगता है ये। अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, बट कोई नहीं, मैंने इसमें एक कटिंग से चलाया है, मेरा वो जो पिंक पर्सलिन है वो चलाया मैंने, बहुत ही अच्छा है ये। जब बहुत ही ऐसी लंबी हो जाती है तो मैं इसको पिंच कर देती हूँ या काट देती हूँ, बट अभी नहीं काटी क्योंकि ये अभी फूल आ रहे हैं इसमें, तो मैंने नहीं किया। बट ये देख सकते हो आप, मैंने हर जगह से पिंच की है तो ऐसे छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, छोटे छोटे आ रहे हैं अभी, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो आप, मैंने जैसे बताया कि ये कटिंग से चलाया मैंने, और बहुत ही प्यारा है, येलो वाला ही है ये पर्सलिन, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। और ऐसे भी, ऐसे ग्रीनिश में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए इसका कितने बढ़ रहे, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने 5-6 दिन ही हुए थे इसे कट किए और इसकी मतलब प्रूनिंग करते हुए, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने आपको जो कंपोस्ट बोली है, बस आप वो ही मिलाइए और साथ ही साथ रे, तो अच्छे से चल जाएगा, इसका फूल बड़ा आएगा और ये जल्दी ग्रोथ भी करेगा। और इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। और ये जो है, ये आउटडोर प्लांट है, धूप में चलने वाला प्लांट है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा लगता भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये था मेरा पर्सलिन प्लांट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो जल्दी ही आएगी, और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, बाय गाइस।